राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आज राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि इस शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति को प्राथमिकता दी गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा नीति को सभी पुरानी शिक्षा नीतियों का बेहतर विकल्प बताया। उन्होंने ये भी कहा कि नई शिक्षा नीति देश की आकांक्षाओं से जुड़ी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश की आकांक्षाओं से जुड़ी है और भारतीय युवाओं को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यपालों के सम्मेलन में कहा कि देश भर से मिले 2 लाख से अधिक लोगों के सुझावों को नई शिक्षा नीति में समाहित किया गया है। ये शिक्षा नीति सरकार की शिक्षा नीति नहीं है, ये देश की शिक्षा नीति है। जैसे विदेश नीति किसी सरकार की नहीं, देश की विदेश नीति होती है, रक्षा नीति किसी सरकार की नहीं, देश की रक्षा नीति होती है, वैसे ही शिक्षा नीति भी कौन सरकार है, किसकी सरकार है, कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, उसके आधार पर नहीं चलती है। शिक्षा नीति देश की ही नीति होती है। कोई भी सिस्टम उतना ही इफेक्टिव और इंक्लूसिव हो सकता है जितना बेहतर उसका गवर्नेंस मॉडल होता है। यही सोच एजुकेशन से जुड़ी गवर्नेंस को लेकर भी ये पॉलिसी रिफ्लेक्ट करती है। नई शिक्षा नीति पर आयोजित सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लक्ष्यों को शिक्षा नीति और व्यवस्था के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। शिक्षा नीति में सरकार का दखल कम होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा नीति से जितना अधिक शिक्षक, अभिभावक और छात्र छात्राएं जुड़ेंगे, उतनी ही इसकी प्रासंगिकता बढ़ेगी। लंबे समय से ये बातें उठती रही हैं कि हमारे बच्चे बैग और बोर्ड एग्जाम के बोझ तले परिवार और समाज के दबाव तले दिनों दिन दबे जा रहे हैं। इस पॉलिसी में इस समस्या को प्रभावी तरीके से एड्रेस किया गया है। 21वीं सदी में भी भारत को हम एक नॉलेज इकोनॉमी बनाने के लिए प्रयासरत है। नई शिक्षा नीति इस संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में बड़ा कदम है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ब्रेन ड्रेन को टैकल करने के लिए और सामान्य से सामान्य परिवारों के युवाओं के लिए भी बेस्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के कैंपस भारत में स्थापित करने का रास्ता खोला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस शिक्षा नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली ही जीवंत लोकतांत्रिक समाज का आधार होती है, अतः सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक है। नई शिक्षा नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि हम सबको भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित आधुनिक शिक्षा प्रणाली विकसित करनी है। साथ ही यह भी प्रयास करना है कि सभी को उच्च गुणवत्ता से युक्त शिक्षा प्राप्त हो तथा एक जीवंत व समता मूलक नॉलेज सोसाइटी का निर्माण हो। उच्च शिक्षा में परिवर्तन लाने में नई शिक्षा नीति 2020 की भूमिका शीर्षक से आयोजित इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किया। नई शिक्षा नीति 1986 के शिक्षा नीति के 34 साल बाद आई है और इसका उद्देश्य विद्यालयों और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार करना है। सम्मेलन में राज्यों के शिक्षा मंत्री, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।